हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल, दिस इज गुफरान। गाइस, आज मैं आपको इन मशीनों के बारे में बताऊंगा। ये आयनिंग मशीन है, तीन मशीन है मेरे पास। इसमें से अच्छी कौन सी है और कौन सी मशीन का कितना रेट है, कौन सी अच्छी चलती है। गाइस, आपको मैं इन मशीन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस, पहले इसके बारे में देखते हैं। ये गाइस मशीन चोबा की है और गाइस ये इसका प्राइस 1000 के पास है। और ये जो है गाइस इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, मतलब गर्म होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और इसका जो है ऑन ऑफ का सिर्फ बटन है, सिर्फ ऑन ऑफ का बटन है। आप इसको देख नहीं सकते क्या ये कितनी गर्म हो गई है, इसका ऑन ऑफ का बटन है, आप देख सकते हैं। और गाइस मैं अब दूसरी मशीन पे ऊपर आता हूँ। इससे जो आयनिंग फिर भी सही हो जाती है, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होती है गाइस, आराम से करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपको अपने सेल्फ यूज़ करने के लिए लेनी है, घर पे आयनिंग करने के लिए, तो आप कौन सी मशीन लोगे तो अच्छा रहेगा, मैं आपको बताऊँगा। और गाइस ये है वेल कंपनी की मशीन, कंपनी तो बहुत अच्छी है, वेल कंपनी, आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस ये मशीन जो है चलती रहेगी और ये बंद नहीं होती है, जैसे क्या, और ये जो है मशीन 50 मिनट में बंद हो जाएगी, मतलब 50 मिनट चलने के बाद ये मशीन बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक, फिर उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइस मैं ये बताता हूँ ये कितने रुपए की है। ये गाइस इसका प्राइस तो 2700 समथिंग है, इसका प्राइस गाइस 2750 है, लेकिन ये हमें मिली थी 2100 की। ये मशीन वेल कंपनी की, इसकी 1 साल की गारंटी आती है। अब गाइस इस मशीन के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इसमें ये एलईडी है, इसमें नंबर आते हैं कितने तक ये गर्म हो गई है। और गाइस इसका टेम्परेचर 220 तक रहता है, 220 रहता है इसका टेम्परेचर, आप देख सकते हैं। इसमें हम इस बटन से हम ऑन करेंगे, इस बटन से आप गर्म को ज़्यादा या कम कर सकते हो इस बटन से। तो गाइस ये काफ़ी गर्म होती है मशीन, लेकिन आयनिंग करने के टाइम में ये इधर से जो है आप इधर से भी ये बहुत गर्म हो जाती है, पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल होती है, फिर भी आयनिंग अच्छी आती है इससे। और ये जो है पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल होती है, ये इसका ये सब गर्म हो जाता है अच्छे से, बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन गाइस आप इस मशीन को इन्वर्टर पे नहीं चला सकते, हमारा 850 वाट का इन्वर्टर है तो उसमें ये मशीन नहीं चलती है। मैंने आपको रेट भी बता दिया, लास्ट में बताऊंगा कौन सी अच्छी है और कौन सी लेनी चाहिए घर पे यूज़ करने के लिए, और दुकान पे जो यूज़ करने के लिए लेनी चाहिए कौन सी लेनी चाहिए वो बताऊंगा। तो गाइस ये है मशीन आलेंट्रन। ये गाइस 1 घंटे में ऑफ हो जाती है, 60 मिनट में ये ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इसको फिर से चालू करना पड़ेगा। गाइस मैं इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ आपको, ये जो है किस तरह से ये चलती है। इसके अंदर जो प्लेट है ये सेरेमिक प्लेट है गाइस, सेरेमिक प्लेट बहुत ही अच्छी होती है आयनिंग में, बहुत ही अच्छी होती है सेरेमिक प्लेट, इससे आयनिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। और गाइस मैं इसका प्राइस बताता हूँ, जो इसका बॉक्स में है प्राइस वो, तो गाइस इसका प्राइस है 4499, आप देख सकते हैं। इसका प्राइस है, लेकिन गाइस ये हमें मिली थी 3800 की, हमें मिली थी 800 या फिर 700 इतने की हमें मिली थी गाइस।
पैसा तो एक बार गया है बहुत ज़्यादा, इसमें ऐसी मशीन दो मिल जाएंगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चलती है गाइस, ये यहाँ से गर्म भी नहीं होती है ज़्यादा, सही यहाँ से पकड़ने में कोई मुश्किल भी नहीं होती है। तो गाइस अगर आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है, मतलब खर्च करना चाहते हो क्या मशीन हमको अच्छी लेनी चाहिए, तो गाइस ये अच्छी है, आपको एक ही बार पैसा डालना पड़ेगा, इसकी एक साल की गारंटी है, कुछ भी होगा तो वापस हो जाती है, तो ये ले सकते हैं। और भी थोड़ा कम खर्च करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, ये 2100 रुपये की है, 2100 की ये मशीन। और गाइस ये मशीन जो है 1000 के पास की है ये गाइस। इस मशीन को आप इन्वर्टर पे भी चला सकते हो, लेकिन इन मशीन को, इन दोनों में से कोई सी मशीन को आप इन्वर्टर पर नहीं चला सकते। इन्वर्टर आपका बड़ा इन्वर्टर है तो आप चलाओगे तो फिर भी ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, इन्वर्टर डाउन हो जाएगा, लेकिन इस मशीन को आप इन्वर्टर पर थोड़ा टाइम चला सकते हो, ये चल जाएगी, इतनी हाई पावर की नहीं है ये। तो गाइस आपको पता चल गया होगा क्या कौन सी मशीन अच्छी है और कौन सी मशीन हमें कितने की मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस हेयर आयनिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी हमारे चैनल पर वीडियो हैं, तो गाइस आप देखें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।